डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। नमस्कार दोस्तों, रिसर्च एप्टीट्यूड क्लास 11। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में। दोस्तों इसमें से क्वेश्चन अब आने स्टार्ट हो गए। ये हमारा एक नया टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर। आज इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानने वाले हैं, प्लस में इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उनको भी हमारे लिए जानना जरूरी है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआर चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है। हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजी नेट है तो जीआरएफ है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिसर्च पैराडाइम क्या होता है, इसको समझना हमारे लिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुका है। ए रिसर्च पैराडाइम इज द सेट ऑफ कॉमन बिलीफ एंड एग्रीमेंट बिटवीन साइंटिस्ट अबाउट हाउ प्रॉब्लम शुड बी अंडरस्टूड। यानी कि ये क्या होता है दोस्तों, एक सेट होता है कॉमन बिलीव का और एग्रीमेंट का, जिसके द्वारा साइंटिस्ट किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। और ये किसने बताया था दोस्तों, सबसे पहले थॉमस कुहन ने बताया था 1970 के अंदर बताया था। ये क्वेश्चन दोस्तों पहले एग्जाम के अंदर आ चुका है यूजीसी नेट के अंदर, तो आप इसको ध्यान में रखना, क्या पता आगे भी रिपीट हो जाए, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों। रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन की भी हमने वीडियो बना रखी है और आगे भी हम वीडियोज बनाएंगे। और इसके बारे में अधिक जानते हैं दोस्तों, रिसर्च पैराडाइम क्या होता है। ए रिसर्च पैराडाइम इज एन अप्रोच ए रिसर्च मॉडल वेरीफाइड बाय रिसर्च कम्युनिटी। रिसर्च पैराडाइम अमर्ज फ्रॉम द पॉजिटिविस्ट अप्रोच और इंटरप्रिटिविज्म अप्रोच। यानी कि किससे निकल के आया है दोस्तों, ये दो तरह के अप्रोच से निकल के आया है, पॉजिटिविज्म अप्रोच और इंटरप्रिटिविज्म अप्रोच से ही निकल के आया है। और ये दोस्तों इसको हम एक रिसर्च मॉडल के रूप में भी इसको मान सकते हैं, जो रिसर्च कम्युनिटी द्वारा वेरीफाई होता है। और दोस्तों आप चाहे तो दोस्तों इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमने हिंदी में भी दिया हुआ है ये नोट्स और इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप जिसमें भी चाहे उसमें इसको पढ़ सकते हैं। और रिसर्च पैराडाइम के अंदर दोस्तों दो रिसर्च पैराडाइम है, उनको समझना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। इनमें से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। नंबर एक पे दोस्तों हमारे पास इंटरप्रिटिविस्ट पैराडाइम है, जिसको हिंदी में कहते हैं विवेचनात्मक चिंतन फलन कहते हैं। दोस्तों आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि आप हिंदी में याद मत करना, इसको इंग्लिश में याद करने की कोशिश करना, क्योंकि हिंदी में इसका जो नाम है वो चेंज हो सकता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, तो एग्ज़ाम के अंदर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे अगर आप इसको हिंदी में याद रखोगे। तो आप इंग्लिश में याद रखना, इसको इंटरप्रिटिविस्ट पैराडाइम होता है। ये क्या होता है दोस्तों, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये क्या होता है, मोस्ट ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च इन सोशल साइंस यूज इंटरप्रिटिविज्म अप्रोच। यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर, सोशल साइंस के अंदर इसका यूज किया जाता है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इंटरप्रिटिविस्ट बिलीव दैट ह्यूमन बिहेवियर इज मल्टी लेयर्ड। यानी कि इंटरप्रिटिविस्ट जो होते हैं उनका मानना ये है कि ह्यूमन बिहेवियर, मानव का जो व्यवहार है वो मल्टी लेयर्ड होता है। इट कांट बी डिटरमाइंड बाय प्री डिफाइंड प्रोबेबिलिटिक मॉडल। यानी कि इनका कहना है कि मानव का जो व्यवहार है उसको पहले से बनाए किसी मॉडल द्वारा हम नहीं समझ सकते। और इट ये इसमें क्या आ गए, इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन एंड डिटरमाइंड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर। ये क्या है दोस्तों, मानव का जो व्यवहार है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है और इसको एनवायरमेंट फैक्टर के जरिए इसको देखा जा सकता है। यानी कि मानव का जो व्यवहार होता है वो अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग हो सकता है और अलग अलग एनवायरनमेंट में भी अलग अलग हो सकता है, तो ये इसमें ज़रूरी है दोस्तों। इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुका है, आप अच्छे से ध्यान में रख लेना इसको। और वही मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, आप यहाँ पे देख लेना। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव व्यवहार बहुस्तरीय है और इसे पूर्व परिभाषित संभाव्य मॉडल द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता, और मानव का व्यवहार
क्या है दोस्तों, वो बदलता रहता है सिचुएशन और एनवायरनमेंट के अनुसार। तो आप इस चीज़ को याद रखना, बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, मैक्स वेबर ने इसके बारे में क्या कहा था। मैक्स वेबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले आ चुका है और इनके द्वारा देखते हैं दोस्तों क्या कहा गया है। प्रिटिव सोशियोलॉजी इज एन अप्रोच डेवलप बाय मैक्स वेबर दैट सेंटर ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मीनिंग एंड एक्शन व्हेन स्टडिंग सोशल ट्रेंड एंड प्रॉब्लम। इनका मानना क्या है दोस्तों कि सोशल ट्रेंड और प्रॉब्लम को समझने के लिए हम किसको इम्पोर्टेंस देते हैं, मीनिंग और एक्शन को ध्यान में रखते हैं। यानी कि मीनिंग क्या निकल रहा है, किसी चीज़ का क्या अर्थ निकल रहा है, उसका क्या एक्शन है, उसके द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को। और हम देखते हैं कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस बिलीव एंड बिहेव ऑफ पीपल आर इक्वली इम्पोर्टेंट टू द स्टडी एज आर ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्टिव फैक्ट। इनका ये मानना है कि जब हम किसी वस्तु से रिलेटेड कोई भी फैक्ट को निर्धारित करते हैं, उसको देखते हैं, उसको चेक करते हैं, वो सेम टू सेम किसके इक्वल है दोस्तों, वो हमारा मानव का जो व्यवहार है, उसकी क्या थिंकिंग है, उसकी क्या सोच है, उसका क्या विश्वास है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, तो उसी तरीके से हम मानव का व्यवहार भी काउंट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है इसके अंदर दोस्तों, ये चीज़ आप अच्छे से कर लेना। अगर आप किसी भी दोस्त को कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ में ना आए, तो दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, हम वो लाइव मॉक टेस्ट में करने की कोशिश करेंगे। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास है प्रत्यक्षवाद यानी कि पॉजिटिविज्म पैराडाइम है, इसके बारे में बात करते हैं। इसको समझने से पहले हमें अगस्त कॉमेट के विचारों के बारे में जानना जरूरी है। फ्रांस के प्रमुख समाजशास्त्री अगस्त कॉमेट 1798-1857 का कहना कि समाजशास्त्र सामाजिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ये देखिए, इसके ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई और यहीं से एक क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। समाजशास्त्र क्या है दोस्तों, जो हम अपने समाज में रहते हैं उसका अध्ययन करना, सामाजिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है दोस्तों, मैं आपको लाइव मॉक टेस्ट में दिखाऊंगा कि किस तरह से इसमें से क्वेश्चन आया है। उन्होंने यह महसूस किया कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान में वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार समाजशास्त्र में भी वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। जी देखिए, हम किसी प्राकृतिक विज्ञान में किसी भी चीज को समझने के लिए साइंटिफिक तरीका यूज करते हैं, किसी भी चीज को अच्छे से समझने के लिए। सेम टू सेम ऐसे ही हमारे समाज की घटनाओं को समझने के लिए साइंटिफिक तरीकों का यूज किया जा सकता है। ये चीज इन्होंने कही है, ये चीज़ याद रखना। इसमें से क्वेश्चन आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे इसमें से क्वेश्चन आएगा लाइव क्लास के अंदर। इन्होंने अपनी जो महत्वपूर्ण पुस्तक पॉजिटिव पॉलिसी के नाम से लिखी, इस पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम सोशियोलॉजी शब्द का यूज किया था। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखना। और अपने महत्वपूर्ण पुस्तक पॉजिटिव फिलोसफी में उन्होंने मानव ज्ञान के 3 सत्रों का वर्णन किया है। ये भी हम देख लेते हैं दोस्तों, इसमें से वैसे क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको समझ लेते हैं। धार्मिक स्तर सबसे पहले है दोस्तों, धार्मिक स्तर है। धार्मिक स्तर पे इन्होंने क्या कहा था, इस स्तर पर मनुष्य का यह सोचना था कि समस्त चीजें अलौकिक शक्ति द्वारा प्रभावित होती है, इन अलौकिक शक्तियों के द्वारा ही सभी घटनाएं घटित होती है। नंबर 1 पे जो स्तर था दोस्तों, लेवल था, उसके अंदर क्या था, मनुष्य ये सोचता था कि जो भी घटनाएं घटती है वो भगवान के द्वारा होती है या फिर कोई अलौकिक शक्ति है उसके द्वारा होती है। नंबर 2 पे दोस्तों तात्विक स्तर, इसमें क्या होता था, कॉमेट के अनुसार दूसरी अवस्था है तात्विक सोच की। इस स्थिति में व्यक्ति एक अदृश्य तथा निराकार शक्ति के अस्तित्व को महसूस करता है। देखिए वो क्या था, इस तात्विक स्तर के अंदर उसे ये महसूस होता था कि कोई ऐसी चीज है, कोई अदृश्य चीज है, वो ये सब कुछ कर रही है और उसी के द्वारा ये सब कुछ हो रहा है। नंबर 3 पे दोस्तों वैज्ञानिक स्तर, तीसरी अवस्था ज्ञान की वह अवस्था जो 20वीं सदी के आरंभ में दशकों में शुरू हुई। इस स्तर पर वैज्ञानिक सोच पर आधारित ज्ञान को महत्व दिया गया। यानी कि तीसरी स्टेज में क्या था दोस्तों कि लोग क्या है, साइंटिफिक तरीके से सोचने लग गए और चीज़ों को समझने लग गए। तो ये चीज़ थोड़ी सी आप पढ़ लेना, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों उनकी निरीक्षण पर आधारित सोच के कारण मनुष्य की सोच को वैज्ञानिक तथा प्रत्यक्षात्मक आधार मिला। यानी कि यहीं से
हमारी शुरुआत हुई पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म की शुरुआत हुई, जब हम साइंटिफिक तरीके से सोचने लग गए। तो इसलिए ये जानना जरूरी था दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविस्ट से रिलेटेड और जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले है दोस्तों हमारे पास ओंटोलॉजी, यानी कि सत्ता मीमांसा, इसको हिंदी में कहा जाता है। और यहाँ भी मैं आपको वही बात कहूँगा कि आप इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि हिंदी में इसका मीनिंग चेंज हो सकता है, वर्ड्स अलग हो सकता है। व्हाट इज रियलिटी, ओंटोलॉजी के अंदर क्या होता है दोस्तों, व्हाट इज रियलिटी, हम देखते कि सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। व्हाट एग्जिस्ट एंड व्हाट डज नॉट एग्जिस्ट बेसिक, यही होता है दोस्तों, क्या अस्तित्व में है और क्या अस्तित्व में नहीं है, आप इस चीज को याद रखना दोस्तों। व्हाट इज रियलिटी, इसको याद रखना, और इसमें से क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों एग्जाम में, आप देखना ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देखना, इसमें से क्वेश्चन आ चुका है और हम भी आपको आगे करवाने वाले हैं। और यहाँ पे दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर पढ़ सकते हैं इसको। ओंटोलॉजी इज ए सब ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स, ये क्या है दोस्तों, मेटाफिजिक्स की एक सब ब्रांच है। और यहाँ पे दोस्तों हिंदी इंग्लिश में आप देख लेना, इसको समझ में आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा भी इसको कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हाउ डू यू नो, यानी कि तुम कैसे जानते हो, इन सिंपल टर्म एपिस्टेमोलॉजी इज द फिलोसफी ऑफ नॉलेज और हाउ वी कम टू नो, यानी कि हमें कैसे ये जानकारी हुई, नॉलेज ऑफ नॉलेज को क्या कहा जाता है दोस्तों, एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, यानी कि किसी चीज की जानकारी हुई तो वो किस तरह से हुई, नॉलेज ऑफ नॉलेज को क्या कहा जाता है, एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है। और इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि नॉलेज ऑफ नॉलेज को क्या बोला जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि ज्ञान मीमांसा इसको बोला जाता है। और इसको भी आप इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करना। आप कैसे जानते हैं, सरल शब्दों में एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान का दर्शन है। और हम कैसे जानते हैं, ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान, यहाँ पे हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, आप बिल्कुल आसानी से इसको देख लेना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों एक्सियोलॉजी, मूल्य मीमांसा की बात करते हैं। इज अबाउट वैल्यू सच ए गुड और बैड, ये क्या है दोस्तों, ये हमारे इस पे डिपेंड करता है कि हम किसी चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं, ये अच्छी है या बुरी है, इस नज़रिए से देखते हैं, उसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं, तो ये इस पे डिपेंड करती है। मॉरल एंड इमोरल, यानी कि कौन सा नैतिक है, कौन सा अनैतिक है हमारे लिए। क्वेश्चन अबाउट व्हाट द मीनिंग ऑफ लाइफ इज एंड हाउ वी शुड लिव, यानी कि ये हमारे जीवन से रिलेटेड है और किस तरह से हम अपने नज़रिए से ज़िंदगी को देखते हैं, अच्छे और बुरे, नैतिक और अनैतिक जैसे मूल्यों के बारे में ये हमें बताती है दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रख लेना इसके अंदर। और दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रत्यक्षवाद, यानी कि पॉजिटिविज्म की बात करते हैं। पहले हमने इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स वगैरह उनके बारे में बात करी, अब हम बात करते हैं पॉजिटिविज्म के बारे में बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इन्फॉर्मेशन ड्राइव्ड फ्रॉम द सेंसरी एक्सपीरियंस इंटरप्रेटेड थ्रू रीजन एंड लॉजिक, यानी कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको हम अपने सेंस के द्वारा, यानी कि सेंस बोले तो अनुभव के द्वारा, और थ्रू रीजन और लॉजिक यानी कि कारण और तर्क के द्वारा किसी इन्फॉर्मेशन को हम लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम कहते हैं पॉजिटिविज्म कहते हैं। इसको हम मान के चलते, एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान के चलिए कि किसी खेत के अंदर एक मूर्ति निकली है, हनुमान जी की मूर्ति निकली है, और ऐसा फ्रॉड दोस्तों हमारे देश में होता रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक मूर्ति निकली तो काफ़ी लोगों ने क्या सोचा, भाई भगवान प्रकट हो गए और वो वहाँ पे पूजा अर्चना करने लग गए, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत भक्ति में लीन होके वो करने लगे। लेकिन बाद में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे कुछ टीम आई, यहाँ पे पुरातत्व की कोई टीम आई यहाँ पे, और इन्होंने देखा कि ये मूर्ति कैसे निकल गई, ऐसे कैसे निकल गई। तो इन्होंने जब इसकी खुदाई की, यहाँ पे पूरी खुदाई की, तो इनको पता चला कि इस मूर्ति के नीचे एक चने का बोरा रखा हुआ था, चने इसके नीचे रखे हुए थे। और चने, आपको पता है दोस्तों, चने जैसे जैसे अंकुरित होंगे तो वो किसी चीज को ऊपर धकेलेंगे। तो बाद में पता चला कि इन चनों की वजह से ये मूर्ति ऊपर निकल आई, यानी कि अच्छे से पता चला कि ये सारा का सारा फ्रॉड किया गया था लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए और लोगों के साथ खेलने के लिए।
यानी कि उनसे धन लूटने के लिए सब कुछ किया गया था। यहाँ पे हमने क्या किया दोस्तों, हमने अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग लगाई, लॉजिक लगाया, भाई ये चीज ऊपर आई है तो क्यों आई है, रीजन क्या है इसका, ठीक है। यानी कि किसी भी चीज को लॉजिक के द्वारा समझना, एक्सपीरियंस के द्वारा, सेंसरी ऑर्गन के द्वारा समझना, वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो हमारा कहलाता है प्रत्यक्षवाद, यानी कि पॉजिटिविज्म कहलाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास उत्तर प्रत्यक्षवाद यानी कि पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात है दोस्तों। अब यहाँ पे बात ये दोस्तों, पहले हमने बात की थी पॉजिटिविज्म, अब बात करते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म यानी कि पॉजिटिविज्म के बाद की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हमने हिंदी इंग्लिश में दिया, आप देख लेना। देखिए, उत्तर प्रत्यक्षवाद सिद्धांतों को वैज्ञानिक या सामाजिक विज्ञान होने का प्रयास नहीं करता, बल्कि वे मामलों की गहराई से विश्लेषण करने की कोशिश करता है ताकि यह तय किया जा सके कि घटना के पीछे कारण क्या है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हम दोनों तरह से सोचने की कोशिश करते हैं, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से भी और सामाजिक तरीके से भी उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इसका भी मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देता हूं जिससे आपको अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और उत्तर प्रत्यक्षवाद का मतलब क्या है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक ये मरीज है और इस मरीज को डॉक्टरों ने कह दिया भाई तू कभी भी खड़ा नहीं हो सकता और तुम्हारे जो पैर है वो काम करना बंद कर गए हैं। तो इन्होंने क्या है कि दोस्तों इसको डीमोटिवेट कर दिया और बिल्कुल निराश कर दिया इसको, तो ये होपलेस हो गया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये एक बाबा आया, बाबा ने क्या किया दोस्तों, इस बाबा ने इसको कहा भाई नहीं तू अच्छे से खड़ा हो सकता है, तू चल सकता है, तू फिर सकता है, तू जो चाहे वो कर सकता है। और इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने इसको दवाइयां दी, देखिए यहां पे इन्होंने मेडिसिन दी, प्लस में इन्होंने कुछ अपनी तरफ से मंत्र वगैरह दिए, ऐसे ही मान लो कुछ भभूति वगैरह दी, कुछ दी ऐसा दिया, ठीक है। और कुछ दिनों बाद में दोस्तों क्या हुआ कि ये बंदा खड़ा होके चलने लगे, ये बिल्कुल सही बंदा हो गया, बिल्कुल अच्छा स्वस्थ हो गया। यहां पर दोस्तों अब समझने वाली बात यह है कि क्या ये बंदा दवाई से ठीक हुआ, यानी कि ये एक मिनट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ये दवाई से ठीक हुआ या फिर जो बाबा ने मंत्र जो दिए हैं उनसे ठीक हुआ, भभूति जो दी है उनसे ठीक हुआ, किस चीज़ से ये ठीक हुआ दोस्तों। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये बंदा इस चीज़ से ठीक हुआ कि इसके अंदर मोटिवेशन भर दिया गया, भाई तू ठीक हो सकता है, तू चल सकता है, तू फिर सकता है, ठीक है। इस वजह से इसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, इसके अंदर एक भावना जग गई कि तू ठीक हो सकता है। लेकिन ऊपर क्या हुआ था दोस्तों, ऊपर इन दोनों डॉक्टरों ने इसको डीमोटिवेट कर दिया था, भाई तू नहीं चल सकता, तू नहीं हो सकता, तो कभी ठीक नहीं हो सकता, तो इसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया। तो यहाँ पे जब हमने पूरी गहराई से मामले को जांचा तो हमें पता चला कि इसके अंदर क्या है कि इसमें मोटिवेशन भी है प्लस में दवाइयों का भी इसने काम किया है। तो यहाँ पे यानी कि पॉजिटिविज्म के बाद क्या आता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं सामाजिक तौर पे भी और उसको वैज्ञानिक तौर पे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये है इसके अंदर, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी दोनों की दोनों चीज़ें, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, और इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो भी आपको समझ में आ गई होगी। और अगर फिर भी दोस्तों अगर आपका कोई सवाल जवाब है तो आप हमें पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज हमसे कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआरएस चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजी नेट है तो जीआरएफ है।